राहुल गांधी की सवारी निकल गई है। एक दिन में 22 से 23 किलोमीटर होगी यात्रा, 150 दिन में 3,570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च हो गई। राहुल गांधी ने श्री परम्बदूर में राजीव गांधी मेमोरियल में सिर झुकाकर हुंकार भरा कि मेरे पिता नफरत वाली सियासत के शिकार हुए, मैं अपने देश को नहीं होने दूंगा। राहुल जब कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ निकलने वाले थे तब उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर हमले की शुरुआत पूर्वोत्तर से हुई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उन्हें यात्रा की शुरुआत पाकिस्तान से करने की नसीहत दी, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, सुनिए। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में, अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा, भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ, पाकिस्तानी खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। हेमंत बिस्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। बीजेपी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि जिस कांग्रेस ने देश को धर्म जाति के नाम पर बांटा वो अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। देखिए, एक बात आपको समझना होगा, जिस पार्टी और परिवार की तोड़ने की विरासत रही हो वो जोड़ने की सियासत करे तो मजाक लगता है। जो कश्मीर की हमेशा जो है वो इस देश की पहचान रही है, सिरमौर रहा है, वहां पे आपने अलगाववाद, आतंकवाद का बीज बो दिया। नॉर्थ ईस्ट में आपने क्या किया, किस तरह से भागलपुर में कत्लेआम हुआ, भिवंडी में क्या हुआ, सन 84 में किस तरह से नरसंहार हुए सिख भाई बहनों के, या किसी को कोई भूल सकता है क्या? इसलिए मुझे लगता है कि वो तो इनकी जो है वो जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि प्रायश्चित यात्रा होनी चाहिए। दो दशक तक राजनीति में रहने वाले राहुल गांधी अभी तक कोई कमाल नहीं दिखा पाए हैं। बीजेपी बार बार कोस रही है कि ये राहुल गांधी को किसी तरह से रीलॉन्च करने की कवायद है, परिवार से आगे ये पार्टी बढ़ ही नहीं सकती। ये सबको जोड़ने की यात्रा है और यही मूल फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। कांग्रेस और राहुल गांधी की जो यात्रा है इसकी शब्दावली पे मुझे इतराज है। भारत टूटा कहाँ है जो आप जोड़ने निकले हो? भारत तो टूटा नहीं है, उसको तो जोड़ दिया गया था। तो आप किस प्रकार से कह सकते हो भारत टूटा है और भारत तो जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? आप मुद्दों के आधार पर तो आपने बांट रखा था भारत को। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है अपने कुनबे को संभाल कर रखना। बीजेपी कह रही है भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस को तो जोड़ ले राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद से लेकर कैप्टन अमरिंदर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे। हम तो अब अपनी पार्टी बनाई, हम भागे नहीं, टीम तो सबसे राहुल गांधी टीम भागी है। सीनियर पीपल एक कमरे में आपने कर दिया, किसी को बुला के उनकी सलाह भी लेते हो किसी बात पे? होल कॉन्सेप्ट ऑफ कांग्रेस इज चेंज्ड। जो कांग्रेस मैं देखी थी आज से 50 साल पहले वो नहीं रही। ये तो एक पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना दिया कांग्रेस का। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत। तो क्या जिन चुनौतियों का सामना कांग्रेस पार्टी कर रही है उनसे उबार पाएंगे राहुल गांधी? न सिर्फ कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमट रहा है बल्कि केंद्र के बाद राज्यों से भी सत्ता फिसल रही है। संगठन लगातार रसातल में धंसता जा रहा है, पार्टी के बड़े बड़े नेता दामन छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी स्थायी अध्यक्ष का नाम तक तय नहीं कर पा रही। अब तो राहुल गांधी के खिलाफ असंतोष की आवाजें भी आने लगी हैं।
राहुल गांधी इसे देश को जानने की यात्रा बता रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया, मैं आ रहा हूँ आपके शहर, आपके गांव, आपकी गली, आपसे मिलने, हम सब साथ मिलकर अपना भारत जोड़ेंगे। ये जो 3,500 किलोमीटर है वो 12 राज्यों से कैसे ये यात्रा गुजरेगी? जो भारत यात्री है वो इन बोगियों में, या ये कह लीजिए कि मेकशिफ्ट जो रूम्स हैं ट्रक्स पे लोडेड है उनमें रहेंगे और लगातार एक वक्त पे 100-150 यात्री लगातार सफर करेंगे। भारत यात्रियों का एक पूरी लिस्ट भी जारी की गई है जो उनके सोशल मीडिया के ऐप में है। यात्रा के 5 महीनों के दौरान राहुल गांधी ना तो किसी होटल में रुकेंगे ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। 150 दिनों की पैदल यात्रा के दौरान वो इन्हीं कंटेनर्स में रहेंगे। उनके साथ चल रहे करीब 300 कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के लोग जो खाना पकाएंगे वही राहुल और उनके साथ चल रहे लोग खाएंगे। किस तरह से पूरी यात्रा जो है जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने कह दिया किसी रिजॉर्ट में नहीं रहेंगे, किसी जो है होटल में नहीं रहेंगे, आम लोगों के बीच में आम तरीके से रहेंगे और एक तपस्या हम लोग करेंगे। ये राहुल गांधी जी के शब्द है, उन्होंने कहा ये मेरे लिए तपस्या के माफिक। तो ये 3,570 किलोमीटर पद यात्रा जो करीब 150 दिन लगेंगे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरेगा, 118 कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, एक तिहाई महिलाएं हैं और औसत आयु 38 है, राहुल गांधी जी भी शामिल हैं। चूंकि पैदल लंबी दूरी तय करनी है लिहाजा साथ चलने वालों ने यात्रा से पहले फिजिकल ट्रेनिंग भी ली है। हमने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखा है, जब से भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआती चीजें थी और ये यात्रा को लेकर के हम वास्तव में बहुत उत्साहित हैं कि हम फिजिकल ट्रेनिंग किया आपने? जी हाँ, ये तो पहले से रही हमारी फिजिकल ट्रेनिंग। यात्रा में जो 300 लोग राहुल गांधी के साथ चलेंगे उनमें नेताओं के अलावा सुरक्षा कर्मी, फोटोग्राफर, सोशल मीडिया संभालने वाले लोग और मेडिकल स्टाफ होगा। पूरी यात्रा के दौरान टाइटल सॉन्ग बजता रहेगा। बारह राज्यों से गुजरेगी ये यात्रा। यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से होगी, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, निलांबूर, मैसूरू, बेल्लारी, रायचूर, विकराबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू होते हुए श्रीनगर में खत्म होगी। कन्याकुमारी से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।